बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड माशाल्लाह। आज हम अपने जो पिछला लेक्चर था डेवलपिंग हाई परफॉर्मेंस टीम, उसका दूसरा हिस्सा जो है वो हम करेंगे, और इस इन स्लाइड्स के अंदर हम इम्पोर्टेंस ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम एंड व्हाट मेक्स अ टीम इफेक्टिव, मेकिंग ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम के हाई परफॉर्मेंस टीम बनाते कैसे हैं, डिसफंक्शंस ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम के, बैरियर्स टू हाई परफॉर्मेंस वर्किंग, जो ऐसी चीज़ें कि जो किसी अच्छी टीम को करने में वो चीज़ें जो प्रॉब्लम पैदा करती हैं, विल डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट दैट, देन विल कंप्लीट दिस टॉपिक इंशाल्लाह। गोइंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम। जो हाई परफॉर्मेंस टीम है उसकी अहमियत क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि दे वर्क टूवर्ड्स शेयर्ड गोल्स। जो अच्छी हाई परफॉर्मेंस टीम है वो मिलकर उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करती है विच आर ऑलरेडी क्लियरली डिफाइंड टू देम, जो उनके साथ शेयर किए जा चुके हैं, ठीक है, और विच रेजोनेट्स विद द वैल्यू ऑफ ईच टीम मेंबर। हर मेंबर जो है किसी भी उस टीम का, जो हर मेंबर है वो रेजोनेट करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है उस पर, और वो गोल्स जो उन पर क्लियरली डिफाइंड होते हैं वो फोकस्ड एफर्ट करते हैं मिलकर उसकी वसूल के। सो दे वर्क टुगेदर टूवर्ड्स दी शेयर गोल्स। दे आर डाइवर्स। हाउ डाइवर्स कहते हैं? ऐसे टीम मेंबर को कि जो मल्टीपल स्किल्स का हामिल होता है, जिसके पास एक से ज़्यादा स्किल्स होती है, वो टीम सबसे अच्छी समझी जाती है, जिसमें ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं और जिनके साथ वेरीड स्किल्स होते हैं। ऐसी स्किल्स उनके साथ, सेट ऑफ स्किल्स उनके पास होता है कि जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हुए हों के पास होता है, ठीक है। ये डाइवर्सिटी, दिस ऑफर्स मोर पोटेंशियल फॉर दी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इसका फ़ायदा क्या होता है? जब वो डाइवर्स स्किल्स के साथ आते हैं तो वो उनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, ठीक है, और एक एज वेल एज दे इट क्रिएट्स अ वाइडर टैलेंट पूल टू रिक्रूट फॉर्म। एक उनकी मौजूदगी में ऐसे लोगों का इज्तिमा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी मौजूदगी एक ऐसे लोगों का इज्तिमा हो जाता है कि जो टैलेंट से भरे हुए हैं, वो टैलेंट पूल बन जाते हैं, ठीक है, और उनके अंदर बिल्ट इन क्रिएटिविटी, बिल्ट इन इनोवेशन जो है वो मौजूद होती है, और वो टीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। दे आर स्मॉलर एंड मोर फ्लैक्सीबल। ऐसे लोग तादाद में कम होते हैं, टीम हमेशा वो इफ़ेक्टिव होती है जो छोटी हो। बहुत बड़े ऐसे टीम मेंबर्स, बहुत ज़्यादा टीम मेंबर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक कंसिडरेबल मैनेजेबल और वर्केबल ग्रुप ऑफ पीपल से जब तादाद एक्सीड कर जाती है तो वो फिर क्या होता है कि उनके दरमियान कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो स्मॉलर टीम हैज़ बेटर चेंज एजिलिटी जनरली देन द लार्जर टीम्स, ठीक है ना। एजिलिटी कहते हैं तेज़ी से एक दूसरे को अपनाने की सलाहियत को, ठीक है। चेंज एजिलिटी का मतलब क्या है कि तेज़ी से, जल्दी से तब्दीली को अपना लेना, दिस इज़ चेंज एजिलिटी। चेंज एजिलिटी जो है ये उन लोगों में कि जो छोटी टीम्स होती हैं उसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द लार्जर टीम। दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल दैट व्हेन दे आर क्वाइट फ्यू नंबर ऑफ पीपल, दे आर इट्स क्वाइट ईजी टू मैनेज दैम, बट वैन यू हैव अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल विद यू, इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज दैम बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द पीपल अमंग दैमसेल्व एंड द चेंजिंग सिनेरियोज ऑफ देयर पर्सनैलिटीज, और उनकी जो आदत और एकदम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की इन्वायरमेंट पर असरअंदाज होने की सलाहियत, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता है ऐसे ऐसे जो है वो ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो एक छोटी टीम जो है वो ज़्यादा अच्छी हाई परफॉर्मेंस टीम बन सकती है एज़ कम्पेयर टू दी बड़ी टीम, राइट। देन जो हाई परफॉर्मेंस टीम है दे अंडरस्टैंड देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो
आम जो लोग हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, देखें ना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने वाले लोग जो होते हैं वो एक ही लेवल के नहीं होते, उनकी स्किल्स का, उनकी एफिशिएंसीज का, उनकी एबिलिटीज़, उनके नॉलेज और उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें दे आर डिफरेंट। जब ये डिफरेंट होते हैं तो फिर उनका जो रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन है वो भी डिफरेंट होता है। तो वो इंडिविजुअल्स जो इस हाई परफॉर्मेंस टीम का हिस्सा होते हैं दे बेटर अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो द इंडिविजुअल रोल्स आर क्लियरली डिफाइंड एज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे हैव द अथॉरिटी, दे हैव एंड हु हैज़ अथॉरिटी फॉर व्हाट। उनको ये क्लियरली पता होता है कि उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, वो उन पर पूरी तरह से डिफाइंड होती हैं और उनको ये भी पता होता है कि किसके पास अथॉरिटी है इनको सर अंजाम देने की। देन द पॉइंट इज दे अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस, और चूँकि वो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं किसी टीम का हिस्सा होते हुए उनको खुद भी अपनी अहमियत का एहसास होता है। एम्प्लॉइज हु वर्क ऑन हाई परफॉर्मेंस टीम आर मोर मोटिवेटेड एंड एंगेज्ड, दिस इज व्हाई दे फील देयर देमसेल्व्स एज इम्पोर्टेंट, कि वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ज़्यादा इंगेज होते हैं हाई परफॉर्मेंस टीम के लोग, तो इसलिए उनको अपनी अहमियत का पता होता है। एंड देयर इज़ नो फीलिंग ऑफ बीइंग डिसहर्टेड बिकॉज दे आर कैरियिंग पीपल हु आर नॉट पुलिंग द वेट, एवरीवन इज़ पुलिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दिस अलाउज देम टू जस्ट इन्जॉय देयर जॉब्स विच इज़ हाफ द बैटल इन एनी कैरियर। मकसद इस सारी स्टेटमेंट का ये है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई परफॉर्मेंस टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, इसलिए कि वो ज़्यादा मोटिवेटेड और ज़्यादा इंगेज होते हैं। अच्छा, फिर उनका जो मोरल है, उनका जो वर्किंग कैपेसिटी है, उसके अंदर हमेशा एक राइज की सी कैफियत होती है, वो हमेशा अपने आप को एनहेंस्ड फीलिंग में रखते हैं, वो डिमोरलाइज नहीं होते, वो डिसहर्टेड नहीं होते, ठीक है। वो ये नहीं होता कि उनका वज़न कोई और उठा रहा है और वो किसी का वज़न उठा रहे हैं, नहीं, हर बार हर एक को पता होता है कि उसने किस डायरेक्शन में जाना है और वो अपनी जॉब को इन्जॉय करते हैं, वो अपनी जॉब को इन्जॉय करते हैं, उसको बोझ समझ के नहीं करते हैं, वो इसको ऐसा नहीं समझते कि वो कुछ कोई मतलब के ना किसी फटीक में डाल दिए गए हैं, उनको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होता है, ठीक है। और उसकी रीज़न ये सब है कि वो बर्डनड फील नहीं होते, वो डिसहार्टेड नहीं होते, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड लोग होते हैं, विच आर पार्ट ऑफ दी हार्ड वर्किंग एंड हाई परफॉर्मेंस टीम। देन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दे आर मैच्योर एंड सेटिस्फाइड प्रोफेशनल, लाइक वी सेड इन द प्रीवियस पॉइंट के दे आर सेटिस्फाइड पीपल, दे आर सेटिस्फाइड प्रोफेशनल, वो मैच्योर लोग होते हैं। हाई परफॉर्मेंस टीम इज़ अ लॉट मोर इंडिपेंडेंट एंड दे डोंट नीड for the constant spoon feeding of information to deal with the problems. They are a lot happier and they are more engaged to work, so they'll find that none of them is having to deal with conflict and performance issues. मकसद ये है कहने का कि वो लोग जो high performance team का हिस्सा होते हैं वो contented लोग होते हैं, वो मुतमिन लोग होते हैं, वो ऐसे professionals होते हैं जो अपने job पर खुश हैं और अपनी जॉब से मुतमिन हैं, मैच्योर लोग होते हैं। उनको आपको बार बार स्पून फीडिंग करनी नहीं पड़ती, बार बार जाके बताना नहीं पड़ता कि जनाब आज के दिन में आपने ये ड्यूटी सर अंजाम देनी है और आज के दिन में आपने ये ड्यूटी सर अंजाम देनी है। नो, दे आर हैप्पियर पीपल, दे आर हैप्पीली डूइंग देयर वर्क, दे आर इंगेज्ड इन देयर वर्क, और उनको डील करना जो वो आसान होता है, उनको उनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएँ, कोई इश्यूज़ आ जाएँ, तो वो कभी भी इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, उनको पता होता है कि उन्होंने कैसे डील करना है सारी सिचुएशन को। सो दे वर्क विद कलेक्टिव इंटेलिजेंस। कलेक्टिव इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इज्तमाई ज़हानत। जब आप एक टीम के हैसियत से काम कर रहे होते हैं तो वो एक बंदे की ज़हानत बढ़ के उस टीम के 8 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, तो उन सब की ज़हानत इकट्ठी हो जाती है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस। कलेक्टिव इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बिगर नेचर। बड़े प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो कलेक्टिव इंटेलिजेंस जो है कोहेसिवली कोरिलेट होती है, यानी मिलकर आगे बढ़ती है रिलेशन के साथ, ठीक है, इज्तमाईयत के कॉन्सेप्ट के साथ। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आते हैं आप उस कलेक्टिव इंटेलिजेंस की वजह से उनको आराम से ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ना, एक आदमी अगर एक इशू के ऊपर काम कर रहा है
तो वो एक आदमी होगा, उसकी सोच एक आदमी की सोच होगी, वो जो सॉल्यूशंस लेगा वो एक जहन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब बहुत सारे ब्रेन्स इकट्ठे होके उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 7 और लोग उसके साथ एडअप हो गए, तो विच मीन्स के अब 8 दिमाग हैं जो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव इंटेलिजेंस। जब वो 8 मिल के काम करेंगे तो उसका हल बेहतरीन निकाल देंगे। तो जो हाई परफॉर्मेंस टीम का लोग हिस्सा होते हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि दे हैव कलेक्टिव इंटेलिजेंस टूवर्ड्स एनी इशू और एनी प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट मेक्स अ टीम इफेक्टिव। सबसे पहली चीज़ जो किसी भी टीम को अच्छा करने पर मजबूर करती है, उकसाती है, सपोर्ट करती है, दैट इज़ ए सपोर्टिव एनवायरमेंट। टीम वर्क इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप वन मैनेजमेंट बिल्ड्स सपोर्टिव एनवायरमेंट फॉर। लेट मी रीड इट फॉर यू, देन वी विल डिस्कस इट। क्रिएटिंग सच एन एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स इनकरेजिंग मेंबर्स टू थिंक लाइक अ टीम, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट टाइम फॉर मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग फेथ इन मेंबर्स capacity to achieve, supportive measures such as these help the group take the necessary first step towards the teamwork, since these steps contribute to further cooperation, trust and compatibility. Supervision needs to develop an organization culture and that builds these conditions. Supportive environment simply aap yun samjhein ke jab aap ek jagah kaam kar rahe hote hain तो उस जगह की एनवायरनमेंट कौन लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो लोग होती है, वो लोगों का ग्रुप होता है कि जो आपके लिए वर्क एनवायरनमेंट को तरतीब देते हैं। जिस तरह का एटीट्यूड मैनेजमेंट का होता है उसी तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड है या डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है या ऐसा स्टाइल है कि जो मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट जब उसको करती है तो वो उसकी जो नीचे वाली टीम है वो उसी को पिकअप करती है। ठीक है, जिस जगह पर डेमोक्रेसी नहीं होती, जिस जगह पर ऑटोक्रेसी होती है या अथॉरिटेटिव एटीट्यूड होता है, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो उसी तरह की क्रिएट हो जाती है। जब लोग आपस में मशवरा नहीं कर सकते, जब वो एक दूसरे के साथ उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं वो शेयर नहीं हो सकती, लेवल ऑफ ट्रस्ट डेवलप नहीं हो सकता, तो ये वो अनसपोर्टिव मेजर्स हैं जो कि एक उस एनवायरनमेंट के अंदर नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। तो इफ़ेक्टिव टीम बिल्डिंग उस वक्त मुमकिन है जब उस टीम के लिए काम करने की जो एनवायरनमेंट है वो सपोर्टिव है, मैनेजमेंट सपोर्टिव है, मैनेजमेंट उनको चांस दे रही है, मैनेजमेंट उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, मैनेजमेंट उनको लर्निंग की चांसेस जो हैं वो प्रोवाइड कर रही है, मैनेजमेंट उनको प्रॉपरली रिवॉर्ड कर रही है। तो ये वो सारे मेजर्स हैं जो टीम के अंदर ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, उनका एक लेवल ऑफ एटीट्यूड जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, उनकी जो वर्क एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा कल्चर डेवलप हो जाता है कि जिसकी वजह से लोग खुशी के साथ काम करते हैं और वो टीम अपनी इफेक्टिवनेस को प्रूव करती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है इसमें स्किल एंड रोल क्लैरिटी। टीम मेंबर्स मस्ट बी रीजनेबली क्वालिफाइड टू परफॉर्म देयर जॉब्स एंड दे शुड हैव द डिजायर टू कोऑपरेट। बियॉन्ड दीज रिक्वायरमेंट्स member can work together as team only. After all, the members of the group know the role of all the other with whom they will be interacting. When this understanding exists, member can immediately act as a team on the basis of the requirement of that situation without waiting for someone to give an order. In other words, team members respond voluntarily to the demands of the job and take appropriate action to accomplish team goals. अगर लोगों के अंदर स्किल होगा, सबसे पहली चीज़ है कि किसी भी काम करने के लिए डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्किल किसी टीम के अंदर जो है वो होना चाहिए। उनके अंदर रीजनेबल, दे शुड बी रीजनेबली क्वालिफाइड, ठीक है, टू परफॉर्म देयर जॉब्स। उनको रोल क्लैरिटी
होगी उस वक्त जब उनके अंदर स्किल्स होंगे, जब उनके अंदर स्किल्स होंगे, जब उनके अंदर ये सलाहियत होगी कि उन्होंने एक काम करना है एक टीम के अंदर रहते हुए, तो फिर वो अपनी जॉब को अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे, फिर वो क्वालिफाई करेंगे टूवर्ड्स देयर परफॉर्मेंस। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर टीम मेंबर्स पर असरअंदाज होती हैं, यानी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्किल्स और आउटकम ऑफ द परफॉर्मेंस, ये सारी इंटरमिंगल्ड चीज़ें हैं, ये सारी इंटरमिक्स चीज़ें हैं, इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, इंटरवोवन चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका सब की चीज़ सबका ताल्लुक एक दूसरे के साथ है। लोगों पर उस वक़्त चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आती हैं जब वो उस जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसकी कंप्लीट एबिलिटी कंप्लीट स्किल्स उनके पास होते हैं। जब ये होता है तो फिर उनको रोल क्लैरिटी होती है, उनको ये पता होता है कि ये मेरा काम है और ये रोल है जो मैंने परफॉर्म करना है, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें मिलकर उनके साथ आती हैं तो फिर वो ज़्यादा वॉलंटरली उन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली उन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं कि जो गोल अकम्प्लिश करने के लिए ज़रूरी है, उन एक्शंस को वो उस वक्त परफॉर्म कर सकते हैं जब उनको स्किल्स हासिल होंगे, जब उनको डिफाइंड रोल्स मिले हुए होंगे और जब उनको परफॉर्मेंस की गुंजाइश मिली हुई होगी, तो वो फिर बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, वॉलंटरीली रिस्पॉन्ड करेंगे और किसी हद तक बेहतर अंदाज में रिस्पॉन्ड करेंगे टूवर्ड्स दी अकम्प्लिशमेंट ऑफ दी टीम गोल्स। देन दे आर द सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर इज टू ट्राई टू कीप द टीम मेंबर ओरिएंटेड विद देयर ओवरऑल टास्क। Sometimes, unfortunately, in an organization's policies, record keeping requirements and reward systems may fragment individual efforts and discourage the teamwork. यानी बाज organizations ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर जो उनकी reward policies हैं वो match नहीं कर रही होती individual performances के साथ और उनके efforts के साथ, ठीक है। यानी उनका रिवॉर्ड सिंपल सिस्टम जो वो कंपैटिबल नहीं होता इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के साथ, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि लोगों के अंदर एक डिस्पैरिटी की सिचुएशन पैदा होती है। अब ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने तमाम टीम मेंबर्स को उनके ओवरऑल टास्क के बारे में भी बताएं, ठीक है, उनकी रिवॉर्ड्स के बारे में भी वो क्लैरिटी के साथ आगे चलें और ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम्स लेके आएं कि जो कंपैटिबल हो उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ। लेकिन ना इंसान पूरा साल जो है वो इस उम्मीद पे काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि जब ऑर्गेनाइजेशन का साल एंड अप होगा तो उसको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो एज़ पर हिज परफॉर्मेंस होंगे, ठीक है, अप्रेजल्स होंगी और उन अप्रेजल्स के मुताबिक उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन जब रिवॉर्ड्स उसकी परफॉर्मेंस से अलाइन नहीं करते तो एक सेंस ऑफ डिस्पैरिटी जो है वो इंडिविजुअल के अंदर जनरेट हो जाता है और जो टीम की इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कम होती है। तो इस तरह से ये चीज़ मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी टीम मेंबर्स के लिए प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी मैनेजमेंट से, हायर मैनेजमेंट से, जो उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ अलाइंड हो, जो उनकी परफॉर्मेंसेस के जवाब में बेहतरीन सिस्टम हो, जो उनको प्रॉपरली रिवॉर्ड करता हो, ठीक है। इसी का आगे एक्सटेंशन है टीम रिवॉर्ड्स के, जो टीम मिलके जो काम कर रही है ये रिवॉर्ड्स। अब देखें हम सिर्फ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की बात नहीं करते ना, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी, यानी टीम के इफेक्टिवनेस के लिए टीम के टीम रिवॉर्ड्स जो हैं दे आर ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस। टीम रिवॉर्ड्स मे बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। उनकी जो सिंपल रिकॉग्निशन है किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की, उसको प्रमोट कर देना, ठीक है, उसके फ्रिंज बेनिफिट्स का ख्याल रखना, उसको बेहतर पोजीशन दे देना, ठीक है, बेहतर एनवायरनमेंट में काम करने का मौका दे देना, अगर वो कहीं रिमोट पोस्टिंग में है तो उसको नियर टू होम पोस्टिंग में ले आना, ये सारे नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में ऑफकोर्स जैसे पिछले पॉइंट पर हमने डिस्कस किया है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के अंदर उसको जो उसकी जो उसकी मैनेजमेंट उसकी सैलरी में इंक्रीज़ करती है, उसको बोनसेस देती है, ये सारे उसके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में आते हैं। तो जो स्टिमुलेट करती है टीम वर्क को वो रिवॉर्ड्स हैं। टीम रिवॉर्ड्स जितने ज़्यादा अच्छे होंगे टीम उतनी ही ज़्यादा स्टिमुलेटेड होगी टुवर्ड्स गुड परफॉर्मेंस।
लिंकिंग ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम में। अभी हमने डिस्कस किया है टीम को इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है, अब ये कि भाई मेकिंग हाई परफॉर्मेंस टीम की बुनियाद कैसे पड़ती है, ठीक है, क्या स्टेप्स हमने लेने होते हैं कि एक अच्छी हाई परफॉर्मेंस टीम जो है वो तैयार हो। सबसे पहला स्टेप है इंडिविजुअल असेसमेंट। मैनेजमेंट क्या करती है, एचआर क्या करता है कि वो ऐसे लोगों को जो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं उनको देखता है और फिर ये देखता है कि क्या हमारी ये जो लोग जिनको हम लेने लगे हैं इनके अंदर वो स्ट्रेंथ्स हैं, वो इफ़ेक्टिवनेस है, वो स्किल्स हैं कि जो एक टीम जो हम बनाएंगे आया जो लोग हमें चाहिए उस सिचुएशन में काम करने के लिए ये लोग जो हैं इनके अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं या नहीं, ठीक है। इसमें एक तो प्रोफेशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा उनके अंदर ऐसे स्किल्स भी चाहिए होते हैं जो एक टीम के अंदर काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, वो झगड़ालू ना हो, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में काम करना आता हो उनको, स्ट्रेस के अंदर काम करना आता हो, ठीक है, वो कंप्रोमाइजिंग हो, वो आगे मिल के आगे बढ़ने की एबिलिटी रखते हों, तो ये इंडिविजुअल असेसमेंट जो है दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अप ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम। देन सिलेक्शन ऑफ द राइट मेंबर्स, जब इस सारे तरह के लोगों की नॉमिनेशन इस सारी तरह के लोगों की आइडेंटिफिकेशन जब हो जाती है तो उसके बाद इनकी नॉमिनेशन का स्टेप आता है, फिर उनमें से जो बेस्ट आदमी होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है फर्दर कि भाई इसको हम उस टीम का हिस्सा बनाएंगे, सिलेक्टिंग द मेंबर्स मैचिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स इन द रिक्वायर्ड फील्ड्स एंड फिलिंग द गैप्स टू अचीव द बैलेंस्ड एंड कोलैबोरेशन टू इंश्योर द डाइवर्सिटी ऑफ थॉट टैलेंट एंड पर्सपेक्टिव। कि वो उस मंजरनामे में जिसमें उन्होंने काम करना है उसके अंदर उनकी थॉट्स की डाइवर्सिटी, उनके टैलेंट की डाइवर्सिटी ये इंश्योर करने के बाद उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है टू बी द मेंबर ऑफ दैट हाई परफॉर्मेंस टीम। देन डेवलप अ कैरेक्टर डेवलप अ चार्टर। चार्टर डेवलप करने का मतलब क्या है, आप रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं, पर्सनल जॉब असाइनमेंट्स करते हैं, अथॉरिटी डिफाइन करते हैं और ये सारी चीज़ें अलाइन किस चीज़ से होती हैं, टूवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में आपकी जब परफॉर्मेंसेज हो जाएंगी तो आपका रिवॉर्ड सिस्टम क्या होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं डेवलप अ चार्टर में आती हैं। यानी आपने एक बंदे आपने बंदे आइडेंटिफाई किया, उसके बाद बंदों को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो असाइन कर दी, ठीक है, फिर आपने एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। चौथे नंबर पे क्या है कि यू प्रोएक्टिवली क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच टीममेट्स कैन लर्न अबाउट ईच अदर पर्सनली टू बेटर अंडरस्टैंड देयर लाइफ एंड वर्क एक्सपीरियंस व्हाट ड्राइव्स देम एंड अल्टीमेटली बिल्ड्स अ ट्रस्ट। जब आप बंदे सिलेक्ट कर लिए, बंदों को रोल असाइन कर दिए, ठीक है, उनको एक चार्टर दे दिया, उसके बाद अगले स्टेप पे आपने वो एनवायरनमेंट देनी है उन लोगों को कि जिसमें रहते हुए वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके, वो एक दूसरे को समझ सके, वो एक दूसरे के साथ अपने लाइफ और वर्क एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके। दिस विल ड्राइव देम, ठीक है ना, दिस विल ड्राइव देम टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्टिविटी और उनके दरमियान एक अल्टीमेट ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा और वो एक अच्छी एनवायरनमेंट के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। फिर अगली चीज़ क्या होती है, टीम लर्निंग एंड ट्रेनिंग। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, परसिस्टेंटली जिसको होते रहना चाहिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हुए भी सीखते हैं, फिर उसके बाद आपने मैनेजर ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है कि जिसमें कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो होती रहे और उनको इंटरनल और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड होते रहें ताकि वो चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल के साथ जो है वो नबर्द आजमा हो सके। उनको इंटरनल भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और एक्सटर्नली जो बाहर कहीं ट्रेनिंग हो रही हैं उनमें भी जाना चाहिए। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद, ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद, उनकी एफिशिएंसी लेवल्स को परसिस्टेंट रखने के लिए, कंटिन्यूस रखने के लिए उनको टीम लर्निंग और ट्रेनिंग में डालना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप है उनको मॉनिटरिंग करने का। अब आपने उनको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया, सिलेक्ट भी कर लिया, रोल भी दे दिए, ठीक है, और उसके बाद एनवायरनमेंट भी दे दी, फिर उनको लर्निंग और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज भी दे दी। अब आपने उनको काम को देखना है, मॉनिटर करना है। सो डिफाइन सक्सेस बेंचमार्क एंड एफिशिएंसी लेवल्स एंड कीप मॉनिटरिंग द टीम परफॉर्मेंसेस टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस में आपने क्या करना होता है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस में आपने ये करना होता है कि आपने जो काम उनको दे दिए तो उनके सक्सेस बेंचमार्क जो हैं वो डिफाइन हुए हैं, वहाँ से आगे देखना है कि इनके एफिशिएंसी लेवल्स क्या हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, और उनको मॉनिटर करते रहना है और उनकी परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते रहना है अकॉर्डिंगली। अगर यानी वो कम काम कर रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए उनका तरीकाकार बताएं, और अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको शाबाश दें।
ठीक है। उसके बाद फीडबैक का एलिमेंट है। फीडबैक का एलिमेंट क्या होता है कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म बना देते हैं कि जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान वो डिसीजन मेकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे को अकाउंटेबल भी करार दे रहे हैं, ठीक है ना। अकाउंटेबल करार देने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि यहाँ पर आपकी कमी है और दूसरा पहले को बता रहा है कि यहाँ पर आपकी कमी है और जो अच्छा कर रहा है उसको शाबाश दे रहे हैं। दिस इज़ एन एनवायरमेंट विद इन दीज टीम मेम्बर्स। वो एक दूसरे को अकाउंटेबल करते हैं, डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और फिर इस सारे का फीडबैक जो है ना वो मैनेजमेंट तक जा रहा होता है, राइट। देन सपोर्ट प्रोवाइड देम, प्रोवाइड सपोर्ट टू मेंट द प्रोसेस वेयर एवर इज रिक्वायर्ड। जहाँ कहीं कमी आ रही है वहाँ पर आपने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि वो खुद ब खुद एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द टीम। लोग एक दूसरे को सपोर्टिव हैं। एक आदमी अगर उस टीम का हिस्सा है लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे मैनेजमेंट उसे एक्सपेक्ट कर रही है तो वो उसी टीम के मेंबर्स जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसकी प्रोग्रेस को मेंटेन करने के लिए एक मेंडिंग प्रोसेस के तौर पर इंटरनल सपोर्ट उसको मिल जाती है। इंटरनल सपोर्ट ना मिले तो उसका जो इमीडिएट मैनेजर है वो उसको सपोर्ट करता है उसके काम की प्रोग्रेस को अच्छा करने के लिए, ठीक है। फिर टीम सेशंस होते हैं। टीम सेशंस से क्या मुराद है, ये सेशंस जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल सेशंस हों। ये वो सेशंस हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल लेवल पर हो सकते हैं। ये वो सेशन है जो टीम्स जो हैं वो अपने एंड पर अनकन्वेंशनल तरीके से कर सकती हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे सेशंस हों जो कि काम के हवाले से ही हों। वो फ्रैंकली मीटिंग्स भी कर सकते हैं, इवनिंग सेशंस कर सकते हैं। ये सेशंस क्या करते हैं कि उनको उन जो पूरी ओवरऑल एक मार्केट की फ़िज़ा होती है उसका कंपैरिजन करने में मदद देते हैं इनफॉर्मली। इनफॉर्मल डिस्कशंस में या फॉर्मल मीटिंग्स में ये सेशंस किसी भी तरह से हो सकते हैं और इन सेशंस के दरमियान टीम मेंबर्स में वो क्या डिस्कस करते हैं कि भाई हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, आने वाला वक्त कैसा होगा, अभी जो मार्केट की लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, राइट। तो ये टीम सेशंस जो हैं वो अच्छी टीम परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। देन रूल्स, फाइनली रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एंड एग्जीक्यूट। वो कवानीन जो अच्छे टीम मेंबर्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस का पाबंद रखती है, राइट। हाई परफॉर्मेंस टीम के लिए ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज़ बिल्कुल ओपन लेवल पर छोड़ दी है कि वो जो मर्जी जैसा मर्जी करते रहें। उनको विद इन सर्टन पॉलिसीज, विद इन सर्टन प्रोसीजर्स, विद इन अनाउंस्ड मैनुअल्स जो प्री डिफाइंड होते हैं, करना काम उन्होंने उसके अंदर ही होता है, ठीक है। लेकिन उनके अपने रूल्स भी वो डिफाइन कर लेते हैं विद इन दोज रूल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एसओपीस। वो अपने रूल्स डिफाइन कर लेते हैं और फिर उनके साथ एंगेज रहते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। बट दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट पॉलिसी एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स, राइट। दिस फंक्शनिंग ऑफ द टीम का क्या मतलब है कि वो काम वो चीज़ें जो खराबी पैदा कर सकती हैं या इसके जो इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हैं अच्छी परफॉर्मेंस वाली टीम के अगर रिजल्ट्स में कहीं कोई कमी आ सकती है तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, या अगर कहीं नाकामी होती है टीम के काम में कि इफ़ेक्टिव जो इफ़ेक्टिवनेस है टीम वर्क की अगर उसमें कहीं नाकामी होती है तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। डिसफंक्शनिंग का ये मतलब है इन अटेंशन टू द रिजल्ट्स, ठीक है ना। इन अटेंशन टू द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स की तरफ अगर आप तवज्जो देकर काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, डिसफंक्शनिंग हो सकती है। फोकस ऑन पर्सनल सक्सेस, आप टीम का हिस्सा होते हुए भी अगर अपनी ज़ाती मफादात जो हैं उन पर फोकस करेंगे तो टीम नाकामी से दो चार हो सकती है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अगर टीम के अंदर गलत परफॉर्म हो रहा है या कहीं मेल फंक्शनिंग हो रही है या कोई बंदा पूरे इंटरेस्ट के साथ पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा और विद डैट वो अकाउंटेबल भी नहीं है तो टीम नाकाम हो सकती है। देन लैक ऑफ कमिटमेंट, अगर कमिटमेंट का फुकदान है टीम के अंदर, टीम मेंबर्स जो हैं वो पूरी तरह से कमिटेड नहीं है अपने मकसद के लिए तो डिसफंक्शनिंग हो सकती है। फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर टीम के दरमियान मेंबर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या उसका डर रहता है कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो जाए
और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको रिजॉल्व कर सके, तो दिस में लीड टू द डिसफंक्शनिंग ऑफ टीम, नाकामी की तरफ जा सकती है टीम, और एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रस्ट अगर नहीं है लोगों के दरमियान एक दूसरे के ऊपर इंडिविजुअल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर, तो दिस कैन लीड टू द डिसफंक्शनिंग ऑफ द टीम। देन बैरियर्स टू द हाई परफॉर्मेंस टीम, क्या रुकावटें हैं जो आ सकती हैं, वो हमने कुछ पॉइंट्स नाकामियों के देखे हैं और कुछ पॉइंट्स जो हैं अब हम बैरियर्स के हवाले से देखते हैं कि रुकावटें क्या आ सकती हैं। एक अच्छी परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस टीम जो है ये परफॉर्म तो करना चाह रही है लेकिन उसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं, वो क्या रुकावटें हो सकती हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप, कि टीम मेंबर्स जो हैं वो फेल टू यूज़ अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल दैट इन्वॉल्व्स एंड एंगेज टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स हमेशा देखिए जो सबसे पॉपुलर स्टाइल है लीडरशिप का दैट इज़ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इसलिए अच्छा है कि इसमें मेंबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, इंगेज रहते हैं और उनको अपनी अहमियत का एहसास रहता है। तो अगर लीडरशिप में डेमोक्रेसी नहीं है तो इट मीन्स के इट इज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग लीडरशिप, यानी वो हिस्सा ही नहीं लेते और वो तरतीब ही नहीं देते, वो लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते अपने अंदर, तो इससे एक सेंस ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन फ्रॉम द लीडरशिप एंड फ्रॉम द मैनेजरशिप एंड इमर्जेस इन द टीम विच इज़ अ बैरियर टू द हाई परफॉर्मेंस वर्क। पुअर डिसीजन मेकिंग, अगर टाइम पर डिसाइड नहीं कर रहे आप, एक वक्त है एक फैसला करने का लेकिन अगर आपने वक्त पर फैसला नहीं किया तो फिर क्या होगा कि टीम जो है वो डीमोटिवेट हो जाएगी और ये डीमोटिवेशन जो है वो नॉन डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में डिले की वजह से होगी या उसकी पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से होगी, एंड दिस विल वर्क एज अ बैरियर टू द हाई परफॉर्मेंस वर्क ऑफ अ टीम। देन इनफ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, लोगों के दरमियान जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो या तो क्लोज्ड है या इनफ्रीक्वेंट है, कभी कभार आपस में रابطہ होता है या बिल्कुल ही नहीं होता, तो भी ये भी एक बैरियर है अच्छी परफॉर्मेंस में। डाइवर्सिटी नॉट वैल्यूड, लोग डाइवर्सिफाइड हैं, डाइवर्सिटी का मतलब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, डाइवर्सिटी का मतलब होता है मुख्तलिफ नो होना, और मुख्तलिफ नो भी मुश्किल लफ्ज़ है, यानी अगर आप मुख्तलिफ एंगल्स से सोचते हैं और मुख्तलिफ जहतों के साथ सोचते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ काम करना चाहते हैं, डाइवर्सिटी लेके आना चाहते हैं, उसको कोई ऑनर नहीं कर रहा, उसको कोई वैल्यू नहीं करता, तो टीम मेंबर्स डू नॉट वैल्यू द डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड ऑफ देयर फेलो टीम मेंबर्स। तो इससे क्या रिजल्ट आता है, जब आप किसी की डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको वैल्यू नहीं कर रहे, या उसका एक्सपीरियंस है उसको वैल्यू नहीं कर रहे, या उसके अंदर इनोवेशन क्रिएटिविटी है उसको वैल्यू नहीं कर रहे, तो इससे जो एक ऐसा माहौल डेवलप हो जाता है कि टीम मेंबर्स के दरमियान जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो मुतासर हो जाती है और डिसीजन मेकिंग इफेक्ट हो जाती है, और डाइवर्स व्यू पॉइंट जो है वो अगर कमी का शिकार हो तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और हाई परफॉर्मेंस टीम जो है वो बैरियर्स का शिकार हो सकती है, हर्डल्स का शिकार हो सकती है। लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, जो पिछला पॉइंट हमने पढ़ा है, जब वो प्रिवेल करता है तो फिर मेम्बर्स के दरमियान ट्रस्ट नहीं होता, जब एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रहता तो वो पूरी टीम की वर्किंग पर असरअंदाज होता है, एंड इट इज़ टेकन एज अ बैरियर टू इन हाई परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। इनएबिलिटी टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, देखें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी 8-10 लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं उनके दरमियान किसी भी बात पर इख्तलाफ पैदा हो जाना एक नेचुरल सा फिनोमेना है, नेचुरल सी अकरिंग है, लेकिन अगर उसको मैनेज ना किया जाए प्रॉपरली तो ये टीम की ओवरऑल हाई परफॉर्मेंस में एक बैरियर के तौर पर तस्वीर किया जाता है। इसलिए जब उनके दरमियान ग्रजेस जो हैं वो बिल्डअप हो जाते हैं और वो ट्रांसपेरेंटली रिजॉल्व नहीं होते तो फिर क्या होता है कि उनका मोरेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो उनकी परफॉर्मेंस असर पर असरअंदाज होता है। लैक ऑफ गोल क्लैरिटी, जब उनको गोल्स के हवाले से प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि हमने पहुँचना कहाँ है, तो दिस सर्व्स एज अ बैरियर इन हाई परफॉर्मेंस। नॉर्मली ऐसा होता कम ही है क्योंकि हाई परफॉर्मेंस टीम जो है वो मुतहर्रक ही तब होती है जब ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑन सेफर एंड हम ये बता रहे हैं कि भाई अगर गोल क्लैरिटी नहीं है लोगों को, कुछ ऐसे मेंबर्स बीच में शामिल हो गए हैं कि जिनको पता नहीं है कि हमने कहाँ डेस्टिनेशन कहाँ है हमारी, तो उस सूरत में ये एक बैरियर बन सकता है फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द टीम मेंबर्स। देन पुअरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपने टीम सिलेक्शन करते वक्त उनकी रोल्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया और लोगों को ये पता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये उनको पूरी तरह से
डेमोन्स्ट्रेटेड नहीं है और उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है वो जाना नहीं गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ जो है वो असरअंदाज हो सकती है टीम की कमिटमेंट पर और उसकी कारकर्दगी पर और उसके परफॉर्मेंस पर, और उनके मोरल को डाउन कर सकती है, उनकी एफिशिएंसी लेवल्स पर असरअंदाज हो सकती है। इसलिए अगर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली डिफाइन नहीं किए गए हैं टीम मेंबर्स को, दिस मे अफेक्ट द हाई परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द वर्क ऑफ द टीम। दैन रिलेशनशिप इशूज़, लोगों के दरमियान आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो अगर वीक होंगे तो ये उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है उस पर असरअंदाज होंगे। नेगेटिव एटमॉस्फेयर, ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो है ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर का कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉजिटिव परफॉर्मेंस के लिए। अगर वो उसमें ओपननेस नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, ठीक है, और वो फ्यूचर फोकस्ड नहीं है और रिजल्ट्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, तो वो फिर क्या होता है कि हाई परफॉर्मेंस लेवल पर परफॉर्म करना लोगों के लिए मुमकिन नहीं रहता। तो इसलिए नेगेटिव एटमॉस्फेयर इट्स अ बैरियर टूवर्ड्स दी हाई परफॉर्मेंस वर्किंग। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव एलैबोरेटेड, यू शुड लिसन इट केयरफुली, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दी स्लाइड्स विद यू, प्लीज़ गो थ्रू दैट, वी हैव वेरी फ्यू डेज लेफ्ट। तो ये जो आखिरी लेक्चर्स मैं करा रहा हूँ इन्हीं में से मोस्टली मैं एग्ज़ाम लूँगा, तो इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनें इन सारी चीज़ों को। तो इसमें अगर कोई एम्बिगुटीज़ होंगी, वो परेशानियाँ होंगी, तो इंशाल्लाह हम जो कन्वर्सेशन लेक्चर होगा उसके अंदर उनको पॉजिटिवली डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अटेंटिव। अस्सलाम वालेकुम।